माइक बंद कर दीजिए अभी के लिए, जब क्वेश्चंस पूछे रहेंगे तब ऑन करना। चैप्टर नंबर 8 देख रहे थे हम लास्ट टाइम, और लेटेस्ट रिवाइज आप लोगों के लिए होमवर्क में था, ठीक है? तो एक एक करके आप लोग आंसर बताते जाएं, और जो नहीं आता है वो पूछते जाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर जॉइंट्स? व्हाट आर जॉइंट्स? अरे बोलो भाई, व्हाट आर जॉइंट्स? द प्लेस वेयर टू और मोर देन टू बोन कनेक्ट इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो सारे बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आज फिर तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया। तो ये रहा इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन, द प्लेस इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्ट इज कॉल्ड अ जॉइंट। सिंपलेस्ट, सिंपली एक सेंटेंस का आंसर था, ठीक है? ये अंडरलाइन कर लेना, चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगा आपको ये। और उसके बाद ओके सर, व्हाई आर वी एबल टू फोल्ड आवर आर्म्स? आप लोग अपनी आर्म्स को फोल्ड क्यों कर सकते हैं? ठीक है, जॉइंट्स की वजह से। ठीक है, बिकॉज आर्म्स हैज जॉइंट्स। हाउ इज इट, और हमें पता है कि जहां जॉइंट होता है वहां पे बेंडिंग पॉसिबल होती है, ठीक है? बेंडिंग, फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग सब कुछ पॉसिबल होता है। हाउ इज अ हिंज जॉइंट डिफरेंट फ्रॉम अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज अ हिंज जॉइंट डिफरेंट फ्रॉम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? तो हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे ऊपर, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में, तो उसमें से वन ऑफ द ये दोनों है। तो बॉल एंड सॉकेट, हाँ हाँ बताइए बताइए, ठीक है? तो ये हिंज जॉइंट पॉइंट ये रहा आपका, हिंज जॉइंट में और बॉल सॉकेट जॉइंट में ये डिफरेंट है। दीस इन अ हिंज जॉइंट, दीस जॉइंट्स ऑल ऑल गो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, दे वर्क जस्ट लाइक द, समझ गए? आपने मतलब सिंपली एक एक लाइन में इनको डिस्क्राइब किया है तो वो भी चलेगा बिल्कुल। तो पहले हिंज जॉइंट के बारे में पूछा है तो ये लिख देना, दीज जॉइंट्स अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे और पीछे, इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है? एक ही डायरेक्शन हो सकता है, 360 डिग्री रोटेशन या 360 डिग्री मूवमेंट हमें हिंज जॉइंट में नहीं देखने को मिलने वाला है। वन डायरेक्शन मूवमेंट, वन डायरेक्शन मूवमेंट, दे वर्क जस्ट लाइक द हिंजेस ऑन द डोर्स एंड विंडोज। तो ये डोर्स एंड विंडोज लिखने वाला जरूरत नहीं है, आप ये लिख लेना दीज से लेकर के ओनली तक, और फिर एग्जाम्पल में नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट, ये हुआ हिंज जॉइंट की कहानी। और उसके बाद पूछा है उसने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो उसमें क्या लिखोगे? इन दीज जॉइंट्स द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन, बना करके दिखाया भी था उस दिन। इट अलाउज रोटेशन इन अ कंप्लीट सर्कल, तो यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है ना? 360 डिग्री आपको रोटेशन या मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम्पल में लिख लेना जो दे रखे शोल्डर और हिप जॉइंट्स, ठीक है? चलते हैं आगे, ये रहा, फिल द फॉलोइंग टेबल, बैकबोन, पिवोट जॉइंट है, हाँ जी, पिवोट जॉइंट, पिवोट जॉइंट कंफर्म, मेरे ख्याल yes, से नहीं होगा, ये स्लाइटली इमूवेबल होगा, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, एंकल, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एल्बो, हिंज जॉइंट। तुम्हें पिवोट जॉइंट का मतलब नहीं पता है क्या, कि तुमने सारे जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं बॉडी पार्ट्स सबको तुमने पिवोट जॉइंट के अंदर डाल दिया है? पिवोट जॉइंट का मतलब समझ लो पहले, नी, हिंज जॉइंट, नेक, पिवोट जॉइंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक, रिस्ट, हिप, शोल्डर, टिप ऑफ फिंगर,
बोलो भाई। बॉल एंड सॉकर जॉइंट, शोल्डर बॉल एंड सॉकर जॉइंट, नेक पिवोट जॉइंट। नेक का तो हो गया ना सिंपली पिवोट। अब बोलो, जब बोलना था तब तो बता ही नहीं रहो। रेस्ट, रेस्ट को थोड़ी ना मूव कर पाओगे तुम अच्छे से, तो स्लाइटली थोड़ा बहुत तो हो जाता है रेस्ट, राइट? वॉलंटरीली। हिप शोल्डर टिप ऑफ फिंगर, ये सारे ऊपर दे रखे हैं एक्चुअली, जाकर के ढूंढने थे सिंपली। सर हिप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब एक लास्ट दे रखा शायद टिप ऑफ फिंगर। टिप ऑफ फिंगर में इससे कहाँ कैटेगराइज करने वाले हो, टिप ऑफ फिंगर को कहाँ रखने वाले हो? क्योंकि बुक में दे भी नहीं रखा ऊपर टिप ऑफ फिंगर, ये ऊपर फिंगर का ऊपर वाला पार्ट। तो मूव करके देखो, मूव तो हो रहा ही है, लेकिन क्या अच्छे से मूव हो रहा है? अगर नहीं हो रहा होता मूव तो हम इसको इमूवेबल लिख देते हैं। अच्छे से हो रहा होता तो मूवेबल के अंदर भी तीन कैटेगरी है, तो वहाँ पे उसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और बीच में होता है स्लाइटली मूवेबल, तो क्या स्लाइटली मूवेबल में करना चाहोगे या फिर स्लाइटली मूवेबल में तो नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि फिंगर को ले जा करके, स्टिप और फिंगर को ले जा करके आप पाम पे टच कर सकते हो, पीछे की तरफ ले जा पा रहे हो आप लोग, तो ये तो स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल दोनों में जाते से नहीं लगता है। लेकिन ध्यान से देखो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हो इसको, ऐसा ही है। तो इसे मेरे ख्याल से हिंज जॉइंट में करना चाहिए हमें कैटेगराइज, मेरे ख्याल से। बाकी और तो कुछ बच नहीं रहा है। कर लिया कॉपी? कर लीजिए। यस सर। ठीक है, कर लो इसे कॉपी। सर वो स्क्रीन इज नॉट क्लियर। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, अगर ऐसा है राइट क्लियर। अब एक काम करिए, एक बार रिजॉइन करिए मीटिंग को, बहुत सी बार वहां से भी रिजॉल्व हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स। मीटिंग रिजॉइन कीजिए। डन डन। अब सही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। चलो आगे चलते हैं। हो गया ना सभी का? यस सर। यस सर। ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। और बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच परफॉर्म, ये मैंने करवा दिया था मेरे ख्याल से। यस सर, करवा दिया था। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 तो काम की नहीं थी, यहाँ से पढ़ना है, राइट? ठीक है ना। स्केलेटल सिस्टम में हम बात कर रहे थे, 206 बोन्स होती है हमारे पास में एट द टाइम ऑफ बर्थ। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स, 310 भी हो सकती है, किसी के 290 भी हो सकती है, डिपेंडेंसी और हेरिडिटी। ठीक है, तो कहाँ वो उसका बर्थ हो रहा है तो उस पर थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी है। और फिर ये न्यूट्रिशन इन बोन्स की बात की थी हमने, और उसके बाद में फर्दर हम जा रहे हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट देयर आर बोन्स इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। On the basis of their shapes and functions, they are grouped together to form various parts of the skeleton. Skeleton system, जो bones का जो पूरा एक पूरे bones की जो grouping है, interlinked है, body में जितनी bones है interlinked है एक दूसरे से, right? और वो सब मिल करके skeleton system follow कर रहे हैं। System का मतलब क्या होता है? Simply system का मतलब ये कि system के अंदर बहुत सारे components होते हैं, और उन components की बात पे अपने specific functions होते हैं। जब वो functions रुक जाओ एक मिनट के लिए, जब वो कंपोनेंट्स अपने स्पेसिफिक फंक्शन जो भी उनके मेंशनड है वो सही से परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब सिस्टम सही से रन हो रहा है। कहने का मतलब ये, एक भी कंपोनेंट में अगर डैमेज होता है कुछ भी, या वीकनेस आती है कोई भी, तो या कोई फॉल्ट अगर होता है, कोई फ्लॉ अगर होता है, तो वहाँ पे पूरे सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट हम बोल सकते हैं, पूरे सिस्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, राइट? भले छोटा हो या फिर बड़ा हो। स्कल इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इसे अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आंसर में काम भी आएगा और नोट्स पढ़ते टाइम ये भी पढ़ना है आपको। इट इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, स्कल के बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, मोस्ट ऑफ विच आर फ्यूज टूगेदर। हमने फ्यूजिंग की बात की थी पहले, कब? इमूवेबल जॉइंट्स में। इमूवेबल जॉइंट्स में हमने फ्यूजिंग की बात की थी, मतलब कि दो बोन आपस में आकर के इस तरीके से जॉइंट होता है कि वो
वो हमने देखा था ऊपर कि जॉइंट जॉइंट जहां पर भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द जगह जहां भी जॉइंट होते हैं, मतलब कि दो या फिर दो से ज्यादा बोन्स आकर के जुड़ रही है आपस में और वहां पे मूवमेंट होता है उन बोन्स के बीच में। लेकिन एक इमूवेबल जॉइंट एकमात्र ऐसा केस था जहां पे आपको मूवेबिलिटी नहीं दिखेगी, तो वो स्कल एक केस है उसमें से। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, मोस्ट ऑफ विच आर फ्यूज टूगेदर, इसे भी अंडरलाइन कर लो। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये रहा, ये जो है इसमें हम समझ सकते हैं कि ये तो होने वाला हमारा लोअर जो, अपर जो, और लोअर जो को नीचे बोलेंगे भी हम अभी मैंडिबल। ठीक है, इस पूरे स्कबल में मैंडिबल तो हो जाएगा आपका लोअर जो, और इस पूरे स्कल में क्रेनियम जो होता है ज्यादा जगह घेर के बैठा होता है, और वो मतलब कि ब्रेन का पूरा कवर होता है एक तरीके से, बोनी कवर होता है। तो ये तो अंडरलाइन कर चुके थे आप, इसके आगे भी और कर लो। आउट ऑफ दीज 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम। तो 22 माइनस 8 बची कितनी बोन्स, 14, एंड प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। 14 बोन्स फॉर्म द शेप ऑफ आवर फेस। ठीक है, द ओनली मूवेबल बोन इज द लोअर जो, ऑल्सो कॉल्ड मैंडिबल। बाकी सब फ्यूज होते हैं एक दूसरे में, बाकी सारी बोन्स फ्यूज है। तो ये पूरा कवर स्कल में जितने भी जॉइंट्स हैं यहाँ पे सबके सब इमूवेबल है, एक को छोड़ के, लोअर जो, विच इज यूज फॉर टॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, स्कल इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्टिब्रल कॉलम, कुछ पूछना है किसी को इसमें? नो सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और बैकबोन। बैकबोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड रहती है स्कल से और पीछे की तरफ से, ह्यूमन बॉडी के पीछे की तरफ से पास होती है नीचे की तरफ। इट इज मेड अप ऑफ 33 इररेगुलरली शेप्ड बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, ओके सर। द वर्टिब्रे ऐसे कर लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन और बैकबोन, और यही है वो बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम इसी को बोलते हैं बैकबोन। मेड अप ऑफ 33 इररेगुलर शेप बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। द वर्टिब्रे कंटेन अ स्मॉल कैनल इन द सेंटर थ्रू विच एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसे। द वर्टिब्रे कंटेन अ स्मॉल कैनल इन द सेंटर थ्रू विच एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। मतलब कि इसके बीचों बीच से ब्रेन से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। फंक्शनैलिटी, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब बाद में हो सकता है, आने वाली क्लासेस में हो सकता है, आने वाले चैप्टर बाद में हो सकता है दिया हो सकता ना दिया हो, अभी के लिए बस इतना ही समझना है आपको। द वर्टिब्रे आर जॉइंट टूगेदर बाय ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट्स एंड अलाउ अ पर्सन टू बेंड फॉरवर्ड। द बैकबोन अलाउज अस टू स्टैंड अपराइट, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बैलेंस, इट सपोर्ट्स द हेड और स्कल ऑन टॉप एंड इज जॉइंट टू बोन्स ऑफ द रिब केज। अब ये रिब केज की बात होगी, मतलब कि हम हमारे मिडल बॉडी की बात करेंगे अब। इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सिंपल सिंपल। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए स्पाइनल कॉर्ड है। अगर इमेजिन करके देखो ना आप कि अगर ये कॉर्ड अगर ना हो बीच में, ये वर्टिब्रल कॉलम अगर बीच में ना हो तो कैसे कोई खड़ा रह सकता है सीधा? सपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, सपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्कल नीचे ना आ जाए अगर ये ना हो तो, राइट? ओवर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी अगर ये वर्टिब्रल कॉलम अगर ना हो बॉडी में। अब वो आगे की तरफ करना था या पीछे की तरफ करना था वो तो नेचर ने डिसाइड किया है ऑलरेडी, राइट? ह्यूमन जब बर्थ लेता है तो ऑब्वियसली उसको पीछे की तरफ ही स्पाइनल, सॉरी पीछे की तरफ ही ये स्पाइन मिलता है, राइट? तो वो तो नेचर ने डिसाइड किया हुआ है, हम तो सिंपली नेचर ने जो नेचर की जो साइंस है उसे स्टडी कर रहे हैं, उसे खोज रहे हैं कि क्या क्या होता है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये नहीं। हाँ, क्योंकि भी रीज़न मिल जाएगा आपको, ऐसा ऐसा इसलिए होता है, लेकिन आप उस पर ये नहीं कर सकते ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे सवाल तो हम रख ही नहीं सकते, सिंपली हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं। ये हो गया रिब केज। हाउ मेनी बोन्स डिड यू काउंट ऑन द साइड ऑफ योर बॉडी इन एक्टिविटी 3? वो पीछे दे रखा था तो वो करने के लिए मैंने आपको मना किया था। दीज बोन्स आर कॉल्ड रिब्स एंड आर प्रेजेंट इन 12 पेयर्स। 12 पेयर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कम दे रखे शायद, तो 24 हो जाएगी फिर इस तरीके से, लेकिन वो कंटिन्यूस होती है। तो 12 पेयर्स में ये रिब्स प्रेजेंट होगी। अब इस केज को केज नाम क्यों दिया है? केज का मतलब पिंजरा होता है,
यहाँ यस देखो एक सर, पिंजरे की तरह जिस तरीके से ही बनाया हुआ है यहाँ पे, इसी के अंदर हार्ट, लंग्स, दोनों तरफ लंग्स, और अगर इसी इस आपका तरीके से कैमरा खड़े ऑफ हो हैं गया। तो सॉरी कुछ कह रहे हो? सर आपका कैमरा ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये इसी के अंदर हमें, हाँ मैं यही बता रहा था कि लंग्स तो दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट होते ही हैं। राइट साइड में जो लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं, और लेफ्ट में जो होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हार्ट के लिए भी जगह बचानी होती है, तो हार्ट जो होता है वो हमारे लेफ्ट में होता है। ठीक है, ये रिब्स की बात हमने कर ली। वन ऑन ईच साइड ऑफ योर बॉडी, ईच रिब जॉइंस द बैक बोन एट द बैक एंड द चेस्ट बोन इन द फ्रंट, टुगेदर दे फॉर्म अ रिब केज विच प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स, पार्ट ऑफ स्टमक, किडनीज एक्सेट्रा। ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स आर कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, या ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज, कुछ भी बोलते हो। टिश्यूज क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल इन एनी लिविंग एंटिटी। ठीक है, और उन बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं, और उसके बाद फिर टिश्यूज भी आगे फर्दर मिलते हैं, तो वहां से ऑर्गन्स बनते हैं। क्या सर सेल्स टिश्यू सर बनाते हैं, रीजन हो टिश्यू गए, ऑर्गन फिर भी नहीं दिख रहा? बनाते हैं और ऑर्गन एक सिस्टम बनाते हैं पूरा। ठीक है, ये बात की हमने रिब केज की, तो इसमें कुछ भी लॉजिकली समझना नहीं है, सिंपली आपको बार बार पढ़ना है कि इंफॉर्मेटरी है, फैक्ट्स है, तो जितना जितनी बार मल्टीपल रीडिंग्स करोगे उतना ही याद रहेगा आपको, बस उतना मेमोरी फिट हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गन आपको हार्ड नहीं दिखेगा, ये जितने भी ऑर्गन्स दे रखे हैं यहाँ पे, स्टमक ले लो आप, किडनीज ले लो, हार्ट एक्सट्रीमली सॉफ्ट, लंग्स सॉफ्ट, गिर्डल्स, देर आर 2 गिर्डल्स इन आवर बॉडी, ये होते हैं सपोर्टिव बोन्स। गिर्डल्स को हम बोल सकते हैं सपोर्टिव पार्ट बॉडी के अंदर। क्या करते हैं? दो तरह के होते हैं, पेक्टोरल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। तो पहले वाले का मतलब होता है, पेक्टोरल गिर्डल क्या करता है आपको, हमारे पास लिम्ब्स होते हैं दो तरह के, पहला लिम्ब हो गया आपका आर्म्स, सर अपर लिम्स और लोअर लिम्स। पहले सुन लो पूरा, हमने पेक्टोरल दो, हाँ ये बोल रहा था लिम्स, यहाँ दे भी रखा है आपको लिम्स। आर्म्स एंड लेग्स टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स। लिम्स जो कुछ कुछ काम करने के लिए या फिर चलने के काम आते हैं उसे लिम्स बोलते हैं, राइट। तो एनिमल्स में, फोर लेग एनिमल्स में आपको दिखेंगे कि चारों वो लिम्स एक ही तरह के होते हैं, उन्हें लेग्स ही बोलते हैं, राइट। एनिमल्स डोंट हैव हैंड्स, लेकिन या अनलाइक एनिमल्स, फोर लेग एनिमल्स, हमारे पास तो दो वेराइटी होती है लिम्स की, आर्म्स और लेग्स, राइट। फॉर मूविंग लेग्स आर यूजफुल, एंड फॉर डूइंग अदर अदर सच थिंग्स आर्म्स आर यूजफुल। तो आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए पेक्टोरल गिर्डल होता है, और लेग्स को, बचे हुए लिम्स को सपोर्ट करने के लिए पेल्विक गिर्डल होता है। गिर्डल्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एंड गिव सपोर्ट टू द बोन्स ऑफ द लिम्स। इसे कर लो अंडरलाइन, गिर्डल्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एंड गिव सपोर्ट टू द बोन्स ऑफ द लिम्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर बोन, इट सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड इज जॉइंट टू द कॉलर बोन। ठीक है, शोल्डर के ऊपर की तरफ मिलेगा आपको ये, मैंने इसीलिए पहले ही बोला था, ये जो होते हैं सपोर्टिव बोन्स होती है, ये गिर्डल्स होते हैं सपोर्टिव बोन्स होती है, इनका खुद का कोई रोल नहीं होता, ये इनका एक ही रोल होता है कि दूसरों दूसरे बोन्स को या दूसरे ग्रुप ऑफ बोन्स को सपोर्ट करना, ये मतलब होता है। इट सपोर्ट्स द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड इज जॉइंट टू द कॉलर बोन। कॉलर कहाँ होती है? आवाज मत करो, ठीक है, सॉरी कुछ मतलब ड्राइंग खराब है थोड़ी। मान लीजिए कि ये कोई हो गया, तो कॉलर जो हो गई वो ये कॉलर, इस वाले पोर्शन को कॉलर बोलेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड आर्म्स मूवमेंट। इट इज ऑल्सो सॉरी, पेल्विक गिर्डल की बात कर लेते हैं बार, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हिप बोन। इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स फ्यूज टूगेदर। इसलिए बोला था पहले ही कि पेल्विक गिर्डल जो है किसको सपोर्ट करने के लिए है, बचे हुए लिम्स को, लेग को सपोर्ट करने के लिए। अब लेग कहाँ से शुरुआत हो, लेग का इंट्रोडक्शन कहाँ हो रहा है बॉडी में?
स्टमक के नीचे से, जहाँ पे आपका स्पाइन खत्म हो जाता है वहां से शुरुआत हो रही है उसकी। तो ये स्ट्रक्चर देख लो, पेक्टोरल गर्डल का और पेल्विक गर्डल का। इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर। 1, 2, 3। द लेग बोन्स आर अटैच्ड टू इट। इट फॉर्म्स अ बोल लाइक स्ट्रक्चर, बाउल लाइक स्ट्रक्चर ऑन विच द बॉडी रेस्ट एंड इज यूज्ड टू सिट। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दिख गया डायग्राम? बुक में है, बुक में भी है आपकी डायग्राम्स। ठीक है, लिम्स पढ़ना शुरू करें। अपर लिम्स, द अपर लिम हैज अ सिंगल बोन कॉल्ड ह्यूमरस। ये थोड़ा सही से लिखा हुआ नहीं है, एच है वो, ह्यूमरस, जॉइंड टू द पेक्टोरल गर्डल। एट द एल्बो ह्यूमरस जॉइंस 2 बोन्स रेडियस एंड उल्ना ऑफ लोअर आर्म। रिस्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 दे रखे हैं और ये ऊपर भी आया था, तब भी बोला था कि यहाँ से इसी जॉइंट से 2 बोन निकलना शुरू होती है, तो ये एक्स्ट्रा बोन तो रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन, 2 बोन का कॉम्बिनेशन हमारे रिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और रिस्ट तक प्रेजेंट होता है। फाइनली रिस्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। द हैंड जॉइंट्स रिस्ट एंड द रिस्ट एंड इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। ठीक है ना? तो फर्दर ऑन अगेन, और फिंगर्स देखो ध्यान से, कितने सारे जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स में। तो हथेली या पाम के अंदर ही बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 तरह की बोन्स ही होती है, लेकिन मेजर मेजर बोन्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मेन मेन बोन्स का नाम, मेजर नहीं, मेन बोन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अपर लिम्ब समझ में आया? लोअर लिम्ब, द थाई और फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो ये बहुत सी बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में भी पूछते हैं, तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी और कहाँ होती है ये? थाइज में। एट द नी इट इज जॉइंट विद 2 बोन्स टीबिया एंड फिबुला। द नी कंटेन्स अ डिस्क शेप्ड नी कैप और पटेला। द एंगल जॉइंट्स द एक, हाँ ये ध्यान से अंडरलाइन कर लो इसे। एट द नी इट इज जॉइंट विद 2 बोन्स और मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूँ आपको वहां जा करके। द एंगल जॉइंट्स बोन्स ऑफ फुट, इसे तो अंडरलाइन कर ही दो ध्यान से। ठीक है, ये जो आपका पेक्टोरल गर्डल जो था वो ये रहा, और यहाँ से फिर 2 लिम निकल रहे हैं हमारे। ठीक है, 2 लिम निकल रहे हैं, एंकल पे एंडिंग हो रही है, नी कैप ऐसे बोल सकते हैं, ये रहा नी कैप और पटेला। टाइम इज ओवर। ठीक है, तो फिर रुको एक बार, रुक जाओ। Activity 4 में लेबोरेटरी एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई। Activity 4 से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हो लेटेस्ट रिवाइज आपका आज फिर होमवर्क में। कल से हम कंटिन्यू करेंगे मूवमेंट एंड मसल्स। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय सर।